एक सवाल हमारे व्यूअर ने कहा था कि बिहारी ही बार बार टारगेटेड क्यों है। आप हम बात कर रहे हैं गुजरात की, और इसके पहले महाराष्ट्र में, असम में, आए दिन अलग अलग राज्यों में बिहारी, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोगों पर ही खास निशाना क्यों बनाया जाता है। पहले राज ठाकरे ने ऐसा आंदोलन चलाया, और उसके बाद अब ठाकोर सेना जो है ये लगातार गुजरात में चला रहा है। गुजरात में बड़ा वर्ग एक बिहारी और उत्तर प्रदेश उत्तर भारतीयों का है। सवाल ये आ रहा है कि बिहारी क्यों, और इसका सीधा सवाल का जवाब भी हम आपको बताएंगे, और आपको भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बिहारी ही बार बार सॉफ्ट टारगेट क्यों है अलग अलग राज्य में जब चुनाव का समय आता है, और इसके पीछे कौन सी राजनीति काम करती है, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां काम करती हैं, और कैसे ये सारा कुछ मैनेज होता है, हम आपको पूरी चीज आज बताएंगे। उसके पहले आपको बता दें कि गुजरात में एक और व्यक्ति की उत्तर भारत की हत्या हो गई है, लेकिन हालांकि पुलिस ने कहा है कि हत्या नहीं है, ये दुर्घटना है और बीमारी से मौत माना जा रहा है, लेकिन बिहार के इस परिवार का मानना है कि ये हत्या है, और देर रात को काम से वापस आते समय मजदूर की हत्या कर दी गई थी। आए दिन असम में और महाराष्ट्र में ऐसी घटना भी घटती थी, अब गुजरात में ये लगातार हो रहा है। हम आपको ये बता दें कि बिहारी मजदूर बड़ी संख्या में दूसरे राज्य में है। काफी पहले राज ठाकरे का एक इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार उत्तर भारत के जो सांसद हैं और यहाँ के जो विधायक हैं, वो वहां उतना डेवलपमेंट कर दे कि बिहारियों को और दूसरे राज्य के लोगों को पलायन नहीं करना पड़े। हालांकि भारत का जो संघीय ढांचा है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, और भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी नौकरी कर सकता है, कहीं भी आना जाना कर सकता है, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके और कुछ जनजातीय राज्यों को छोड़ करके वहां पर नहीं बस सकता। लेकिन इसके बाद भी प्रश्न ये उठ जाता है कि उत्तर भारत और बिहार और यूपी के खास करके लोग लगभग यहाँ की 50% जनसंख्या आखिर माइग्रेट क्यों कर जाती है, ऐसा क्या है इन राज्यों में कि यहाँ से लोग बड़ी संख्या में पलायन कर जाते हैं और दूसरे राज्य में जाने के बाद वहां मजदूरी करते हैं, सब्जी वाले जो होते हैं, रिक्शा चलाने वाले अधिकांश संख्या में उत्तर भारतीय होते हैं, ऐसे में ये सॉफ्ट टारगेटेड होते हैं। आप देखिए, एक कॉमन सेंस और साइकोलॉजी है कि आपके समाज में भी जो बड़ा व्यक्ति होगा, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा, उसके विरोध में कोई बोलने का साहस नहीं करता है, और जो गरीब होते हैं उन्हें कोई भी आदमी डांट देता है। तो बिहारियों की ऑलमोस्ट ये स्थिति हो गई है अन्य राज्यों में, जहां पर बिहारी में भी जो अमीर तबका है उसे कोई नहीं बोलता है, लेकिन जो गरीब मजदूर है वो किसी भी हिंसा का तुरंत सहारा हो जाते हैं। गुजरात की इंडस्ट्री में 40% लोग बिहारी हैं जो वहां पर कारीगर का काम कर रहे हैं, चाहे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, डायमंड का इंडस्ट्री हो, और दूसरे रिलायंस का जैसे जो ऑयल रिफाइनरी वाला फैक्ट्री है, सारी चीजों में। किसी जमाने में ये पलायन होता था कलकत्ता की ओर, फिर कलकत्ता के क्षेत्र में हिंसा होने लगा तो असम में लोग शिफ्ट करने लगे, वहां से महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र से गुजरात, और अब बड़ी संख्या में यहाँ से लोग दूसरे जगह जाते हैं। एक सर्वे आपको और बताते हैं कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के छात्र और छात्रा जितनी बड़ी संख्या में दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत के शहरों में पढ़ने जाते हैं, अगर वो जाना छोड़ दें और यहाँ के पेरेंट्स अगर डिसाइड कर लें कि नहीं हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे, तो उन राज्य में भुखमरी की नौबत आ जाएगी। जो लोग आज बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों को पीट रहे हैं, उन्हें खाना तक नसीब नहीं होगा, क्योंकि इन राज्यों से पूना बेंगलोर में बच्चे जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, तमिलनाडु में, दिल्ली में आप देखेंगे बड़ी संख्या में इसी राज्य से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से लोग पढ़ने जाते हैं, और बिहारी एक स्लैंग लैंग्वेज है वहां पर। लोग अपने बच्चे को डांटते हुए कहते हैं कि तुम अभी से बिहारी मत बनो। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिन बिहारियों के दम पर उनकी रोजी रोटी चलती है, जिस बिहारी के दम पर उनका रोजगार चलता है, उनको जो मकान मालिक हैं उनकी पूरी इंडस्ट्री वहां पर अगर आप देखेंगे तो बिहारी और उत्तर प्रदेश के दम पर चल रहा है। लेकिन यहाँ के सांसद और विधायकों की बहुत बड़ी गलती है कि वे इस जनसंख्या को रोक नहीं पा रहे। अगर वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस इस शहर में खोलें और यहाँ पर एजुकेशनिस्ट को वो साथ दें, करप्शन तो हर राज्य में ऑलमोस्ट है लेकिन इन राज्यों में थोड़ा ज्यादा होने के चलते, और एजुकेशनिस्ट जो है वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं, अच्छे टीचर दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। अगर ये चीज रुकेगा तो हमें उम्मीद है कि जो बिहार से
जो पलायन होता है, जो माइग्रेशन होता है, तो वो रुकेगा, और जैसे ही माइग्रेशन रुकेगा तो इन राज्यों में मजदूर की दिक्कत हो जाएगी। आप देखते होंगे कि मनरेगा योजना जितनी स्ट्रांग तरीके से लागू हुई है, मजदूर उतना आसानी से नहीं मिलता है, फिर भी यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, तो ये सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। हालांकि देखिए, संघीय ढांचे में कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रह सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम माइग्रेट होने क्यों दें? हमारे जो राज्य की अपनी जनसंख्या होती है, उन्हें क्यों ना रोजगार उस राज्य में दिलाया जाए, वहां इंडस्ट्री खुलवाया जाए। आप झारखंड की बात करेंगे, आप गुजरात और राजस्थान में देखें तो लोग दूर दूर से बालू देखने के लिए जाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर लोग रेस्पेक्ट करते हैं, और उससे टूरिज्म में विकास कर गया, लोगों की इनकम बढ़ गई। झारखंड के प्रदेश में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो लोग पहले तो आपको पेड़ से बांध देंगे, जूता से पिटाई करेंगे, ऐसे में टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे विकसित होगा, और बड़े बड़े इंडस्ट्री उद्योग नहीं आना चाहते हैं। तो एक बड़ा कारण है कि लोगों की थिंकिंग, जो थॉट ऑफ द पीपल है, ये इन राज्यों में सुधारने का जरूरत है। और जितने अच्छे सीनरी इन राज्यों में आपको मिलेगा, वो नहीं है पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, या फिर हिमाचल प्रदेश के जैसे राज्यों में, जो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री के चलते ही आज विकास के मुकाम पर खड़ा है। आपको क्या लगता है कि बिहारी को सॉफ्ट टारगेट आखिर क्यों बनाया जाता है? क्या वो टैलेंटेड ज्यादा होते हैं, ज्यादा नौकरी की सीटें कहीं पर ले लेते हैं, आखिर क्या कारण है? या फिर वो झगड़ालू होते हैं, या फिर क्राइम ज्यादा करते हैं, करप्ट होते हैं? आप अपना आंसर लिख करके हमारे कमेंट बॉक्स में बड़ी संख्या में जरूर भेजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये विश्लेषण जरूर पसंद भी आया होगा। हमसे आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा, और हम आपको सटीक विश्लेषण करते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़कर।